So Mamji, I'm so happy to be here. Hello. So Mamji, I'm so happy to be here. God loves you all. My heart is touched when I see how you love Jesus. मेरा दिल जो है वो जज्बात से भर गया है जब मैंने देखा है कि आप किस तरह से खुदावंद यीशु से प्यार करते हैं. When I see how you hunger for God, my heart is touched by the love of God. और मैंने जब देखा है कि आप किस तरह खुदा के लिए भूख रखते हैं, मेरा दिल आपके लिए जज्बात से भर गया है. Please be seated. तशरीफ रखिए. I'm very happy to bring the blessings of God to you all. और आज शाम मैं आपके पास खुदा की बरकत लेकर आया हूँ. इस बात के लिए मैं बहुत खुश हूँ. God cares about you and hears your prayer. खुदा आपकी परवाह करता है और आपकी दुआओं का जवाब देता है. And Jesus opens the way for us to come to you to bless you. I'm very happy for that. और मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि खुदा ने ये मुमकिन किया कि हम चलकर आपके पास आए और आपको खुदावंत की आपके दरमियान खिदमत करें. My co-worker here came with me. She hears the voice of God from time to time. और मेरे साथ जो खिदमत करने वाली बहन आई है वो यहाँ पर इसलिए मेरे साथ आई है क्योंकि खुदा उनसे कलाम करता है और फिर वो मुझे बताती है. When I'm praying, when an airplane took off, she heard the voice of Jesus talking to her. जब बैंकॉक से हमारा जहाज रवाना हुआ तो उस वक्त खुदा ने बहन के दिल से कलाम किया. And Jesus said, I'm zealous for this place. और खुदावन ने हम कलाम होकर कहा कि इस जगह के लिए मेरे बहुत एहसासात हैं. मैं बहुत प्यार करता हूँ इस जगह से. I'm on fire for this place. और मैं इस जगह के लिए आग से भरा हुआ हूँ. I want a revival to come to this land. और मैं ये चाहता हूँ कि इस खित्ते के अंदर बेदारी आ जाए. I want the Christians to be built up. और मैं ये चाहता हूँ कि मसीही जो है वो रूहानी, जस्मानी और ज़हनी तौर पर तामीर हो जाए. Strength of Jesus Christ. क्या हमारे पास खुदावंत की कुव्वत है? And Jesus wants to bless you. और आज खुदावंत यीशु आपको बरकत देना चाहता है. Jesus is, you know, he loves us very much. और खुदावंत यीशु आपसे बहुत प्यार करते हैं. We all heard that Jesus loves us. हम सब ने सुना कि खुदावंत यीशु हमसे प्यार करते हैं. But some people just heard about it, but they have not experienced the love of God. लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने सिर्फ सुना है और उनके पास खुदा की मोहब्बत का कोई तजुर्बा नहीं है. We have all experienced the love of God. हमारे पास खुदा के प्यार का हर किस्म का तजुर्बा है. In 1998, में When an evangelist laid hand on me, जब एक मुबशरे अंजील ने मेरे ऊपर हाथ रखा, I felt the power of God came into me. और मैंने महसूस किया कि खुदा की कुव्वत मेरे अंदर दाखिल हुई है. That is what the Bible said when the Holy Spirit comes upon you. इसीलिए बाइबल मुकद्दस के अंदर यूं लिखा है कि जब रूह कुदस तुम पर नाजिल होगा. And then I felt power and the love of God fill my heart. और फिर मैंने महसूस किया कि खुदा की मोहब्बत और खुदा की कुव्वत मेरे अंदर दाखिल हो गई है. And the love of God was so strong, I was touched and cried immediately. और खुदा की मोहब्बत इतनी जोर से मेरे अंदर आई कि उसने मुझे छुआ और मैंने रोना शुरू कर दिया. That was the first time I had experienced like that. और ये जिंदगी में पहली मर्तबा मेरा ऐसा तजुर्बा हुआ था जो मैंने महसूस किया था. I cried for a long time. और बहुत लंबे वक्त तक मैं रोता रहा.
I didn't realize that I can experience the love of God like that. और मुझे इस बात का तजुर्बा नहीं था या समझ नहीं थी कि खुदा की मोहब्बत को मैं इस तरह से महसूस करूंगा. And from that day on, I prayed to Jesus a lot. और उस दिन से लेकर अब तक मैं खुदावंद यीशु मसीह से बहुत दुआ करता हूं. And soon after that, every time I think of Jesus or cry to Jesus, soon after that, every time I think of Jesus, immediately I felt the power of God enter me. और जब भी मैं खुदावंद यीशु मसीह के बारे में सोचता हूं, तो उसी लम्हा में महसूस करता हूं कि उसकी कुवत मेरे अंदर दाखिल हो गई है. And immediately I felt the joy of the Lord, the power of the Lord, the love of the Lord. और मैं महसूस करता हूं खुदा की शादमानी और मोहब्बत वो मेरे अंदर दाखिल हो गई है. Even in the middle of the night when I wake up, when I think of Jesus, the love of God will enter my heart. और यहां तक कि रात को जब मैं पिछले पैरों में बेदार हो जाता हूं, तो उस वक्त भी मैं महसूस करता हूं खुदा की मोहब्बत मेरे अंदर दाखिल हो गई है. And the joy of the Lord can flow out. और उसकी मोहब्बत मेरे अंदर बहना शुरू हो जाती है. Just like this, when I think of Jesus in meaning, hallelujah, the joy of the Lord will flow through me. और बिल्कुल इसी तरह जब खुदावंद की मोहब्बत, खुदावंद यीशु की मोहब्बत को मैं महसूस करता हूं, तो उसकी शादमानी मेरे अंदर काम करना शुरू कर देती है. This is what the Bible has said. और यही कुछ तो बाइबल मुकद्दस ने फरमा दिया है. In Romans 5:5, रूमियो 5 बाब की 5वीं आयत के अंदर, the Holy Spirit will pour the love of God into our hearts. रूह कुदस हमारे दिलों में मोहब्बत को डालता है. The Holy Spirit can come to each one of us and pour the love of God into us. और रूह कुदस हम में से हर एक के अंदर मोहब्बत डाल देता है. When you are sad, जब आप अफसरदा हैं, when you are unhappy, और जब आप खुश नहीं हैं, let me ask you, how many of you have been unhappy before? और मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि आप में से कितने लोग जो हैं वो खुश नहीं हैं या पहले खुश नहीं थे? Would you raise your hand if you have been unhappy before? Would you raise your hand? और ये मैं आपके हाथ देखना चाहता हूं. जब आप इबादत में आए थे तो उससे पहले आप खुश नहीं थे, लेकिन यहां से प्रस्तुति के वसीला से आप खुश हुए हैं. मैं आपके हाथ देखना चाहता हूं, अपना हाथ दिखाइए. Do you want the love of Jesus to come into your heart? और क्या आप ये चाहते हैं कि यीशु मसीह की मोहब्बत आपके अंदर आ जाए? Do you want? क्या आप चाहते हैं? Yes. Do you want the joy of the Lord to come to you? क्या आप चाहते हैं खुदावंद की शादमानी आपके अंदर आ जाए? Yes. So that every time you think of Jesus, और जब भी आप यीशु मसीह के बारे में सोचें, like for myself, every time I think of Jesus, the joy will flow out. और बिल्कुल इसी तरह जब मैं यीशु के बारे में सोचता हूँ, तो शादमानी मेरे दिल के अंदर आ जाती है. Because the Bible has said He will give us the oil of gladness. क्योंकि बाइबल यूँ फरमाती है कि वो हमें शादमानी का तेल बख्श देता है. In Isaiah 61. यशाया 61 बाब के अंदर, that he can give us the joy, the oil of gladness. क्योंकि वो हमें शादमानी के तेल से जो है वो शादमान कर देता है. And the joy of the Spirit is love, joy, peace. और रूह का फल जो है इत्मीनान, खुशी है. That we can experience the love and joy and peace of God. और हम अपनी जिंदगी के अंदर खुदा की मोहब्बत और उसके सुकून और इत्मीनान को महसूस कर सकते हैं. And this can bring healing to our body. और यही कुछ हमारे जिस्म के अंदर शिफा को ला सकता है. And healing of our soul. और यहाँ तक कि हमारी रूह की शिफा को. Healing of our mind. और हमारे जहन की तस्कीन को. Jesus is very real. खुदावंद यीशु मसीह हकीकत है. In Mark chapter 16, मरकुस 16 के अंदर, it promises that when we lay hand on the sick and they will be healed. वहां पर वादा किया गया है कि जब हम बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वो चंगे हो जाएंगे, शिफा पा जाएंगे. Jesus is real today. और आज खुदावंद यीशु मसीह हकीकत है और जिंदा है. And this is for all of you that you can have this power of the Holy Spirit. और ये आप सब लोगों के लिए है ताकि आप रूह कुदस की कुवत
قوت پائے Not only the pastors. Because Jesus said, signs and miracles will follow all those who believe. اور کیونکہ بائبل مقدس کے اندر یہ فرما دیا گیا ہے جو ایمان لائیں گے ان کے درمیان معجزات ہوں گے اور نشانات ظاہر ہوں گے That is in Mark chapter 16. اور مرکز 16 باب کے اندر Everyone who believes will have the power of the Holy Spirit and the signs and miracles to follow them. جو بھی ایمان لائے گا اس کی زندگی میں معجزہ اور عجیب نشان ظاہر ہوں گے And they can drive out demons in Jesus' name. یسو کے نام میں وہ بدروحوں کو نکالیں گے And they can lay hand on a sick and they will be healed. اور وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے اور بیمار اچھے ہو جائیں گے When I've read these passages before 1998, I did not think it will happen to me. But after 1998, when the evangelist laid hand on me, and I spent a lot of time praying, one time I led a meeting, and I laid hand on some people, and afterwards I asked them, did you experience anything? اور پھر میں نے ان سے بعد میں پوچھا کیا آپ نے کچھ محسوس کیا ہے And a woman jumped up. اور ایک عورت وہ خوشی سے جو ہے اچھلنا شروع ہو گئی She said, my backache is gone. اور اس نے کہا میرے یہاں پر کمر میں درد تھی اور درد وہ ختم ہو گئی ہے And another woman jumped up. اور ایک اور بہن جو ہے وہ بھی اچھل پڑی And she said, my shoulder ache went away. اور اس نے کہا کہ میرے کندھے میں درد تھی اور اب کندھے میں سے درد چلی گئی ہے It was the first time that God woke me up to see that the promise of miracles is still true today. اور یہ میرے لیے وہ پہلا تجربہ تھا وقت تھا کہ میں یہ دیکھ سکوں کہ معجزات آج بھی رونما ہوتے ہیں And our lives can be very different. Our lives can be very different. ہماری زندگی یکسر بدل سکتی ہے. If any time you pray, the joy of the Lord will come to you. اور آپ جب بھی دعا کریں گے خدا کی شادمانی آپ میں داخل ہو جائے گی. Let me share with you, every time I pray, I feel joy coming through me. اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں جب بھی میں دعا کرتا ہوں خوشی شادمانی میرے اندر آ جاتا ہے And I feel power go through me. اور میں اس کی قوت کو محسوس کرتا ہوں اپنے جسم میں And when I pray for people, اور جب میں لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں many people get healed. بہت سارے لوگ شفا پا جاتے ہیں But I want to tell you, it's not just for me. لیکن یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ صرف یہ میرے لیے نہیں ہے It's for you. یہ آپ کے لیے بھی ہے I would like you to say to your neighbor. میں یہ کہوں گا کہ جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہے یا بہن بیٹھی ہے اسے یہ کہیے. You can pray for the sick and the sick can be healed in Jesus' name. آپ ایک دوسرے سے کہیے کہ آپ یسوع کے نام میں دعا کریں گے اور بیمار اچھے ہو جائیں گے. Will you say to your neighbor? اپنے ساتھ ایک دوسرے کو کہیے کہ آپ یسوع کے نام میں دعا کریں گے اور بیمار اچھے ہو جائیں گے. When you pray for people, they can experience joy. Tell your neighbor. अपने जो साथ बैठा उससे कहिए कि क्या आप खुदा की शादमानी का तजुर्बा करना चाहते हैं? One time I prayed for someone with cancer. मैंने एक दफा किसी के लिए दुआ की जो कैंसर के मर्ज में मुब्तला था. You know, cancer is a deadly disease. और आप जानते हैं जो कैंसर की मर्ज है वो موت دے دیتی ہے مار دیتی ہے When I prayed for that woman she said that she felt some dark power left her body اور میں نے جب اس بہن کے لیے دعا کی تو اس نے کہا کہ کوئی تاریکی کی قوت نے مجھے چھوڑا ہے اور وہ نکل گئی ہے And the pain of the cancer went away اور جو کینسر کی درد تھی وہ چلی گئی And the doctor has told her that she has cancer اور ڈاکٹروں نے اسے کہا تھا کہ اسے کینسر کا مرض ہے But later she went back to the doctor and examined herself لیکن اس دعا کے بعد وہ واپس ڈاکٹر کے پاس گئی تاکہ اس کا معائنہ کیا جا سکے And the doctor said the cancer is gone اور ڈاکٹر نے کہا کہ کینسر کا مرض تو بالکل ختم ہو گیا ہے
Now I tell you, I am not God. I don't know when miracles will happen. But I have seen miracles happen many, many times. It will happen to you too. Miracles will happen to you too. We can all carry the power of God to bless people. If you learn to hunger for God, love God from our hearts, believe that God is right here, and spend much time praying, you will experience the power of God upon you. तो फिर आप खुदा की कुवत को अपने ऊपर तजुर्बा के साथ मालूम करेंगे. Now at this point, I want to ask two volunteers to come up. Just two, no more than two. मुझे दो लोगों की जरूरत होगी. सिर्फ दो लोगों की. Doesn't matter. Doesn't matter. Just two persons. दो लोग चाहिए. एक जसान भाई आ जाए. पादरी स्टीफन साहब चले, ये भी आ गए. आ जाए, आ जाए. Okay. What I'm going to do, I'm going to pray for them right now. और मैं इस वक्त इनके लिए दुआ करना चाहता हूँ. Now, I mean, I look for two persons to pray for. I'll pray for them instead to pray for them. You will pray for them so they can go and pray for them? No. Then they will share what they experience when I pray for them. So it's up to them who wants to come up. Oh, you just, all right. Shukriya, वो ये चाहते हैं कि आप में से जो कोई भी आगे दुआ के लिए आना चाहता, सिर्फ दो लोग आ जाएं, भाई आप बैठ जाएं, और फिर वो आप पर दुआ करेंगे और उसके बाद आपका तजुर्बा आपसे पूछेंगे. So any two persons, कोई भी दो लोग. What I want to show is that God is very real today. और दो भाई आ रहे हैं, मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि खुदा आज हकीकत है. The girl come up. The girl come up too. And a man. Two men. And the girl can come up too. अच्छा, बेटा आप भी आ जाएं, भाई आप भी आ जाएं. What I want to show is His presence is very real. God's presence is very real. मैं जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि खुदा की हजूरी हकीकत है. The reason why I want to do this in the middle of the teaching is to show you that God can come to you right now. और मकसद जो इस कलाम को सुनाने के दौरान ये सब कुछ करना है ये कि आप ये समझ सके कि खुदा हकीकत है. And I hope that while I pray for them, you will also pray to God, Lord Jesus, I need you. और जब मैं उनके लिए दुआ कर रहा हूँगा, तो उस वक्त आप भी दुआ करेंगे कि खुदावंद यीशु मुझे आपकी जरूरत है. And afterwards, I'll ask them to share what they experience. और उसके बाद फिर मैं उनसे पूछूंगा कि वो क्या महसूस कर रहे हैं. To encourage you that we can experience God when we open our heart to God. और ताकि हमारा ये तजुर्बा हो सके कि हमारा दिल खुदा के लिए खुल सके. Okay, so we'll come. Okay. Please close your eyes and also pray. आइए सब आंखें बंद करें और दुआ करें. Oh Lord Jesus, Lord Yesu, we love us very much. तू हमसे बहुत प्यार करता है. You know our needs. तू हमारी जरूरतों से वाकिफ है. We welcome you to come here. और हम तुझे यहाँ पर खुश आमदीद कहते हैं. We need you. हम तेरी जरूरत महसूस करते हैं. You love us very much. तूने हमसे बहुत प्यार किया है. You love the people of Pakistan. तूने पाकिस्तान के लोगों से प्यार किया है. You want to bless this nation. तू इस कौम को बरकत देना चाहता है. You want to come and bless us. और तू हमें बरकत देने के लिए आना चाहता है. We need Jesus. हमें यीशु की जरूरत है. We know that you love us all the time. और हम जानते हैं कि तेरी मोहब्बत हमेशा कायम रहने वाली है. You want to bless us all the time. और तू हमें चाहता है कि हमें हमेशा बरकत दे. We are beloved children of yours. और हम तेरी हजूरी में तेरे सच्चे दुआ करने वाले और तुझ पर ईमान रखने वाले हैं.
हमें यसू तेरी जरूरत है थैंक यू जीसस यसू तेरा शुक्र करते हैं थैंक यू फादर बाप तेरा शुक्र करते हैं वेलकम जीसस खुश आमदीद खुदा यसू हालेलुया प्लीज फॉरगिव आवर सिंस हमारे गुनाहों को माफ फरमा Wash us clean with the blood of Jesus. और यीशु के लहू से धो दे. Give us eternal life. हमें आपती जिंदगी बख्श दे. We want to follow you. हम तेरी पैरवाई करना चाहते हैं. We want to love you all the days of our life. हम अपनी जिंदगी के अय्याम में तुझसे प्यार करना चाहते हैं. हमें यीशु की जरूरत है. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. यीशु तेरा शुक्र हो. Hallelujah. बेटा आंखें बंद रखिए बेटा आंखें बंद रखिए Did you experience anything? Asher, did you experience anything? बेटा आपने कुछ महसूस किया जब आपके लिए दुआ हो रही थी मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ है जैसे कि रूह कुदस मेरे ऊपर चल रहा है क्या महसूस किया मैंने महसूस किया he felt like the anointing of God touched him and exactly what he felt हकीकत में क्या आपने महसूस किया है खुदा का इत्मीनान तसल्ली जो भी आपने He felt like I'm peaceful. I'm feeling peace in my heart. Whatever disease I had is gone now. Yeah, I told him. Thank God. Glory to God. खुदावर के नाम को जलाल मिले. Is God real today? क्या खुदा आज हकीकत है? Hallelujah. God is real today. आज खुदा हकीकत है. Thank you. बहुत शुक्रिया. God wants to bless us today. आज खुदा हमें बरकत देना चाहता है. बच्चे खुमोशी तैयार करो. And I hope you're hungry for God. और मुझे उम्मीद है कि आप खुदा के लिए भूख रखते हैं. प्यारे बच्चों खुदावंद यीशु मसीह का कलाम हो रहा है. खुमोशी तैयार करें. Now here I use some passages to encourage us to understand the love of God. और इस वक्त जो है मैं आपके सामने कलाम का हवाला रखना चाहता हूँ ताकि आप खुदा की मोहब्बत को जान सकें. Isaiah 49:15-16. All right. हाँ जी ये हवाले आप नोट कर सकते हैं. यशाया 49 उसकी 15:8. So you know the passage, right? Can a mother forget the baby at her breast and have no compassion on the child she has born? Though she may forget, I will not forget you. और यहाँ तक कि माँ जो अपने शीर्ष बच्चे को भूल सकती है, और मैं तुम्हें नहीं भूलूँगा. How many of you here are mothers? Could you raise your hand? How many are mothers? कितनी यहाँ पर माँएं बैठी हैं? हाथ दिखाइए. जो माँएं यहाँ पर बैठी हैं. Okay. Now let me ask you this question. और मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ. Have you ever forgotten your baby and left your baby somewhere in a store when you went to buy something? बहनों क्या कभी आपने अपने बच्चे को भुला दिया फिर आप उसको भूलकर दुकान पर चली गई या मार्केट में चली गई कोई चीज खरीदने के लिए अपने बच्चे को रोता छोड़ क्या कभी ऐसा हुआ Have you ever forgotten your baby somewhere? क्या कभी आप अपने बच्चे को कहीं पर भूल गई हैं Yes or no? क्या कभी तजर्बा हुआ है कभी नहीं भूले Have you ever taken a public transportation and left your baby there and you forgot about the baby and left the bus? और कभी आप ये जो ओमनी बस होती है बस में आप गए हैं और आप अपने बच्चे को वहाँ पर भूल गई हो और बस से उतर गई हो? Have you forgotten your baby? Yes or no? सिर्फ ये बताना है कभी बस में आपने अपने बच्चे को छोड़ दिया भूल गई है कि नहीं? और तुसी चुप करो है? Let me tell you, God will never forget you.
खुदावंद कभी भी आपको नहीं भूलेगा कोई बात नहीं छोड़ दे God will never forget Pakistan. और खुदा कभी भी पाकिस्तान को नहीं भूलेगा Pakistan is in the heart of God. क्योंकि पाकिस्तान खुदा के दिल के अंदर है God feels your pain. खुदा आपकी दर्दों से आपको शिफा देता है God feels your suffering. और आप जिन मुश्किलात में से गुजर रहे हैं खुदा उसमें भी आपके साथ है He remembers you. वो आपको याद रखता है How do we know that God does not forget us? हम किस तरह जानते हैं कि खुदा हमें नहीं भूलता Because every time when you pray, He will come. और क्योंकि जब भी हम दुआ करते हैं तो वो दुआ पर आ जाता है Let me ask you, how many of you have experienced the presence of the Holy Spirit, the anointing of God, or peace or joy when you pray? Would you raise your hand? और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपके साथ कितने लोगों के साथ ये तजुर्बा हुआ है कि जब आपने दुआ की हो और आपने रूह कुदस का मसा और हजूरी महसूस की हो दुआ के दरमियान? Raise your hand if you have अपने हाथ दिखाइए जिन्होंने महसूस किया है. You see that God is very real, right? पर आप ये देख लें कि खुदा हकीकत है। God will never say, "Today I'm too busy." खुदा कभी ये नहीं कहेगा कि आज मैं बड़ा मसरूफ हूँ। God will never say, "Today I won't answer your prayer. Come back tomorrow." और वो ये भी नहीं कहेगा, आज मैं बड़ा मसरूफ हूँ और तुम्हारी दुआ का जवाब नहीं दे सकता, कल आना। God is thinking about us every day. खुदा हर रोज हमें याद रखता है. Do you believe that? क्या आपका ईमान है? Do you believe that God is thinking of you right now? और क्या आपका ईमान है कि खुदा इस वक्त भी आपके बारे में सोच रहा है? Hallelujah. Now, have you known someone who is in love? Who has fallen in love, like with someone? All right. क्या कभी आपने आपको ऐसा तजुर्बा हुआ है कि आपने कभी अपने किसी अजीज के लिए मोहब्बत महसूस की हो? Someone in love would think of the lover day and night. और वो शख्स जो है, आप उससे हर रोज मोहब्बत महसूस करते हैं. And so God is in love with you all, and He remembers you and thinks about you all the time. और इसी तरह खुदा आपके साथ हर रोज प्यार करता है और हमेशा आपको याद रखता है So every time I pray, I think of Jesus, you know, I will think of Jesus like this, Oh Jesus, I know you are thinking about me right now. और जब भी मैं दुआ करता हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि इसी वक्त खुदा मुझे याद कर रहा है I would never say, God, where are you? और मैंने कभी ये नहीं कहा खुदा तू कहाँ है Because we can all experience the presence of God right here now. और क्योंकि हमने खुदा की हजूरी का यहाँ भी तजुर्बा किया है. We can all experience the peace and the love and the power of God just like the two persons I prayed for just now. और हमने खुदा की दुआ का और शिफा का इसी तरह तजुर्बा किया है जिस तरह बेटी और भाई ने वो किया था. And we can all experience the presence of God. With you. और हम यहाँ पर आपके साथ खुदा की उस हजूरी का तजुर्बा करेंगे And Jesus has promised us too, in your difficult times, I will talk to you. और खुदावन यीशु ने यह वादा किया है तुम्हारी मुश्किलात में मैं तुम्हारे साथ बात करूंगा You don't have to think about what to say because the Holy Spirit will tell you what to say. और आपको ये सोचने की जरूरत नहीं बल्कि रूह कुदस आपको ये कुदरत बख्शेगा कि आपने क्या कहना है And the peace of God and the love of God and the power of God can come to you. और खुदा का इत्मीनान, तसल्ली, सुकून और मोहब्बत आपके पास आ जाएगी. Okay, another Bible verse, Psalm 139, verse 5. और फिर एक और हवाला है, ज़बूर 139 और उसकी पांचवी आयत. It tells us that God is in front of us and behind us and is always laying hand on us. और खुदा उस पे लिखा है हमारे हमें उसने आगे पीछे से घेर रखा है और अपने हाथ हमारे ऊपर रखे हैं. God is always with us. और खुदा हमेशा हमारे साथ है.
How do we know God is always with us? और हम किस तरह से जानते हैं खुदा हमारे साथ है? Because people everywhere in the whole world, whenever they call out to Jesus, और क्योंकि लोग पूरी दुनिया में जब यीशु को पुकारते हैं, they experience the presence of God. और वो खुदा की हजूरी का तजुर्बा करते हैं. So we know that God serves us. और हम क्या जानते हैं? खुदा हमारे साथ है और हमें शिफा और बरकत देता है. You know, I'm a Chinese. आप जानते हैं कौम के लिहाज से मैं चाइना का रहने वाला हूँ. In ancient China, there were slaves. और जो कदीम चाइना का वक्त गुजरा है उस वक्त गुलाम हुआ करते थे. And whenever the master goes, the slave would follow the master. और जब भी मालिक चलता था गुलाम उसके पीछे पीछे चलता था. When the master says, come. Immediately the slave will come. और जब मालिक उसको आवाज देता था तो गुलाम भाग कर आ जाता था. Whenever the master say do this, he would do this. और जो कुछ मालिक कहता था वो उसको करना पड़ता था. Let me ask you this question. और मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ. Is Jesus our slave? क्या खुदावंद यीशु मसीह हमारा गुलाम है? Is Jesus our slave? क्या यीशु हमारा गुलाम है? Jesus is the King of Kings. बल्कि यीशु तो बादशाहों का बादशाह है. He's the King of the Universe. और वो पूरी कायनात का बादशाह है. He is our Master. और वो हमारा मालिक है, गुलाम नहीं. We are His people. और हम उसके लोग हैं. But Jesus serves us like a slave. लेकिन खुदावंद यीशु मसीह आप देखें वो हमारी दुआ पर उसी तरह हाजिर होता है जिस तरह एक गुलाम आता है उसकी मोहब्बत देखें. And this is what this verse says. He's in front of me and behind me, and he's always laying hand on me. और यही कुछ ये आयत कहती है कि वो मेरे आगे और पीछे है और उसका हाथ मेरे ऊपर है. So he is always around us and blessing us. Jesus is blessing us like a slave. और खुदावन यीशु मसीह हमारी मोहब्बत में इस तरह से बंधा है कि वो गुलामों की तरह हमारे साथ रहता है और हमारी दुआओं को सुनता है. Even a slave has to sleep. और यहां तक कि slave has to go to bed. और यहां तक कि गुलाम को भी नींद आती है, वो सोना सोता है. But Jesus will serve us 24 hours a day. लेकिन खुदावन यीशु मसीह की मोहब्बत देखें, वो 24 घंटे जागता रहता है हमारे लिए. And even when we go to heaven, और यहां तक कि जब हम आसमान पर जाएंगे, God will not say, "Well, I've served you so many years. Now I want to take a rest." और आसमान पर जब जाएंगे तो वहां पर खुदा ये नहीं कहेगा, बहुत अरसे तक मैं तुम्हें बरकत देता रहा और शिफा देता रहा, अब मैं थक गया हूं, अब मैं आराम करना चाहता हूं. But he will serve us forever, even in heaven. लेकिन यहां तक कि उसकी ये मोहब्बत, ये खिदमत हमारे साथ जमीन पर और आसमान पर भी होगी. Even in heaven, you continue experience the love of God, the joy of the Lord forever and ever. और खुदा की मोहब्बत हमेशा आसमान पर, जमीन पर शादमानी हमारे साथ रहेगी. There will never be a day or a minute that God will stop ministering to you. और कभी भी जब तक आप जीते हैं आपकी जिंदगी में ऐसा वक्त नहीं आएगा कि खुदा एक लम्हा के लिए भी आपको छोड़ दे. Let me tell you, when I think about the love of God, I'm really touched by the love of God. जब मैं खुदा की मोहब्बत के बारे में सोचता हूँ तो मैं बताना चाहता हूँ तो उस वक्त मैं खुदा की मोहब्बत में इतना हो जाता हूँ कि मैं सोचता हूँ कि खुदा मेरे साथ है, मुझे छू रहा है. After experience the Holy Spirit in 1998, और 1998 में रूह कुदस का तजुर्बा हासिल करने के बाद, I began to be able to experience His love all the time when I think of Him. और जब भी मैं फिर उसके बाद उसके बारे में सोचता, तो मैं उसकी मोहब्बत का तजुर्बा करता. And you too can experience this love and His healing power all the time. और आप भी उसकी मोहब्बत का तजुर्बा हर वक्त, हर जगह पर कर सकते हैं. And He will give you strength and health. और वो आपको शादमानी, कुवत और शिफा बख्शेगा. Let me tell you my age. मैं अपनी उम्र बताने लगा हूं. I am 64 years old. मेरी नहीं उनकी 64 साल उम्र है.
Look at me. मेरी तरफ देखिए. Do I look like 64? भाई को देखिए कि क्या वो 64 बरस के लगते हैं? God gives me strength and health. खुदा ने मुझे कुवत बख्शी है, अच्छी सेहत बख्शी है. You know, I play tennis. You know tennis? मैं टेनिस खेलता हूँ. When I hit छिक्के के साथ वो बॉल जो when I hit the tennis ball, I can hit very hard. और जब मैं टेनिस के साथ वो बॉल को हिट करता हूँ दीवार के साथ That God has given me strength even at this age. और 64 साल की मेरी उम्र है और इस साल में खुदा ने मुझे ये कुवत बख्शी है. Because the presence of God is good to us. क्योंकि खुदा की हजूरी हमारे साथ भलाई करती है. Our Lord is good. हमारा खुदा भला है. Our Lord is good. हमारा खुदा भला है. Say it. कहिए मेरे पीछे. Our Lord is good. हमारा खुदा भला है. He's good to us. वो हमारे साथ अच्छाई करता है. He thinks about us all the time. हमारे बारे में हर वक्त सोचता है. He's in front of us and behind us. वो हमारे आगे और पीछे है हमेशा. He lay his hand on me all the time. और हमेशा अपना हाथ मुझ पर रखता है. He blesses me all the time. हमेशा मुझे बरकत देता है. We are in his heart. हम उसके दिल के अंदर हैं. Let me share with you. I know two persons who pray much to Jesus. मैं दो लोगों को जानता हूँ जिन्होंने यीशु से बहुत दुआ की. And one person goes to heaven 2 or 3 times a week. और she prays. उनमें से एक शख्स जो था वो दुआ करते करते आसमान की सैर कर लेता था. And both of these people saw the book of life in heaven. और उन दोनों ने आसमान पर किताबे हयात देखी. And in this book of life they saw on one side the video of their life in the past. और किताबे हयात के साथ उनकी जिंदगी की जो वीडियो बनी हुई थी वो एक तरफ चल रही थी. And one person said that when I was born, God said on the right side, He write down what He His feeling, God's feelings. और एक शख्स ने कहा कि जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से लेकर खुदा मेरे बारे में क्या महसूस कर रहा उसने लिखा है. And God said, I'm very happy she is born. और वो बहन जो थी जिसने ये दुआ करते हुए आसमान की सैर की है उसके बारे में खुदा ने कहा मैं इसके बारे में बहुत खुश हूँ कि ये दुनिया में पैदा हुई. I'm going to do great things through her. और उसके जरिया से मैं बड़े काम करूँगा. Everything something happened, God wrote down his feelings. और जब भी उसके साथ कुछ होता खुदा अपने जज्बात और एहसासात लिख देता. And then, She looked at the book. She also saw the first time she experienced great despair, disappointment. एक दफा वहाँ पर भी उसने ये भी देखा कि एक दफा वो बहुत ज़्यादा मायूस हुई थी और ये भी बात वहाँ पर लिखी थी. She was greatly hurt in the past. और क्योंकि वो माजी के अंदर बहुत दुख उठा चुकी थी, परेशान हो चुकी थी, उसका दिल टूटा हुआ था. And they both said that God says something like this. और उन दोनों ने कहा कि खुदा ने इस तरह से कहा है. God said, I feel the pain more than they feel the pain. और खुदा ने कहा जितनी दर्द तुम महसूस करते हो तुम्हारे लिए उससे ज्यादा मैं दर्द महसूस करता हूँ. So God feel your pain more than you feel your pain. और खुदा आपके दर्द को आपसे ज्यादा महसूस करता है. And God has a plan to bless them. और खुदा के पास मंसूबा है कि खुदा आपको बरकत दे. God wants to come to them one day and bless them. और खुदा आपके पास आना चाहता है, आपको आकर के बरकत देना चाहता है. So what all the things that God wrote down was His feelings toward this person. और खुदा की जो जो खुदा उसके बारे में महसूस करता है वो उस शख्स के बारे में लिखता रहा. And God said, और फिर खुदा ने कहा, to this both this person, do you know where this place is? और वो उन दोनों लोगों के बारे में खुदा ने कहा, And God said, this is my heart. और खुदा ने कहा कि ये जो कुछ लिखा हुआ है तुम्हारे दोनों के लिए मेरे दिल के अंदर है.
In the heart of God is the book of life of each one of you. और खुदा के दिल के अंदर किताबे हयात आप सब के लिए वहाँ पर मौजूद है. In God's heart, He wrote down all your suffering. और जो भी आप मुश्किलात में से गुजर रहे हैं, आप खुदा के दिल के अंदर हैं. And God feels your suffering. और खुदा आपके उन जज्बात को महसूस करता है. God wants to comfort you today. और आज खुदा आपको सुकून देना चाहता है. Do you want Jesus to come to give you love? क्या आप चाहते हैं कि आज खुदावन यीशु मसीह आए और आपको मोहब्बत से भरपूर कर दे? To heal your hearts. ताकि आपके दिल को शिफा बख्श दे. To comfort your heart. और आपके दिल के लिए वो आ जाए और आपके दिल को सुकून बख्श दे. So that you can feel his presence all the time. और ताकि आप उसकी हजूरी हर वक्त महसूस करें. Do you want Jesus to come to bless your heart today? क्या आज आप चाहते हैं कि खुदावन्द यीशु मसीह आए और आपके दिल में आप आराम महसूस करें और आप बरकत महसूस करें? हम चाहते हैं कि आपका दिल वो अपनी बरकत से भर दे. Do you want to experience His love? क्या आप उसकी मोहब्बत का तजुर्बा करना चाहते हैं? Do you want to experience the joy of the Lord? और आप खुदा की शादमानी का तजुर्बा करना चाहते हैं? Let me just let the joy of the Lord flow out from me. I don't do it all the time. I just do it so to let you see. और मेरे अंदर जो है वो खुदा की शादमानी है और मैं आपको शादमान होकर दिखा रहा हूँ. I hope you don't mind because you might not see a pastor laugh like that. और हो सकता है कि आपने कभी किसी पादरी को इस तरह हंसते ना देखा हो, मुस्कुराते ना देखा हो जिस तरह मैं हंसता हूँ. I just want to show you that God's joy is very real. और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ खुदा की शादमानी हकीकत में है. Whenever I think of Jesus, His joy will continue to flow out. और जब भी मैं यीशु मसीह के बारे में सोचता हूँ कि वो हकीकत है, तो शादमानी मेरे अंदर आनी शुरू हो जाती है. So when I think of Jesus, hallelujah. और जब मैं यीशु के बारे में सोचता हूँ, तो मैं इस तरह से हंसता हूँ. But think of Jesus' joy will just keep flowing out. और देखिए जब यीशु के बारे में मैं सोचता हूँ, तो शादमानी मेरे अंदर से बहना शुरू हो जाती है और मैं हंसना शुरू हो जाता हूँ. And His power will go through me. और उसकी कुवत मेरे अंदर आ जाती है. And any burdens I have will go away. और मेरे ऊपर जो भी बोझ होता है वो चला जाता है. Do you want to live like that? क्या आप इस तरह से खुश रहना चाहते हैं? Sometimes when some people say unpleasant words to me, और बाज दफा बाज लोग कहते हैं मेरे साथ ये कुछ खुशगवार नहीं हुआ. And then normally I will feel unhappy. और फिर उसके बाद मैं ना खुश हो जाता हूँ. Have anyone yelled at you before? Yelled at you, scream at you before? और क्या कभी आपको तजुर्बा हुआ है कि कभी कोई आपके ऊपर जोर से चिल्लाया हो? Do you feel unhappy? और आप फिर खुश नहीं होते अगर कोई दबका मारता है? तो हम खुश तो नहीं ना होते कोई सानू दबका मारे तेरे की कार है, हमें दुख होता है. I learned to accept that it is their problem. और मैंने ये सीख लिया है ये जो दबके दुबके मारते हैं ना ये उनका ही मसला है, मेरा मसला नहीं है. Because when people have sins, they will yell at people. और जब लोग गुनाह करते हैं तो फिर वो गुनाह पर जोर जोर से बोलते हैं. So if they yell at me, it is their problem. और अगर वो मेरे ऊपर कोई मुझे धक्के मारता है तो वो उनका मसला मेरा मसला नहीं है. What they say will stay in the air for one second. What they say, you know, like they say you fall, it will stay in the air for one second. और जो कुछ वो कहते हैं वो बात हवा में एक सेकंड के लिए रहती है फिर चली जाती है. I don't have to think about what they say. और जो कुछ भी कोई मुझे कहता बुरा भला मैं उस पर ध्यान ही नहीं देता. I just let it go away. और मैं उसको जाने देता छोड़ देता हूँ. I just continue to think about the love of Jesus. लेकिन मैं उस वक्त में यीशु मसीह की मोहब्बत के बारे में सोचता रहता हूँ. And let the love of Jesus come and fill my heart. और फिर खुदावन्द यीशु मसीह की मोहब्बत मेरे अंदर आ जाती है और मुझे भर देती है. So what I mean is, if someone yells at you or screams at you, you don't have to feel unhappy for the rest of the day. और अगर कोई आप पर कोई आपको धक्के मारता है या कोई आप पर चीखता है तो उसको सारा दिन अपने ऊपर हावी ना रखें, अपने ऊपर उसका बोझ बनाकर ना रखें.
It is their sin. ये उनके गुनाह हैं. One day they have to face God to be judged by God. और एक दिन उनको खुदा का सामना करना पड़ेगा और जवाब देना पड़ेगा. They are in a worse condition than we are. और वो हमसे बदतर हालत में हैं. So we can have compassion on them and say they are in a more terrible condition than I am. और हम उनको ऊपर हमें जो तरस खाना चाहिए कि वो बड़ी मुश्किल हालत में हैं. And then we can forgive them. और फिर हमें माफ करना चाहिए उन्हें. And let go of what they say. और जो कुछ उन्होंने कहा उसे जाने दे. And continue to rejoice in the Lord. और आप खुदावंद की शादमानी में जारी रहें. And when you have the joy of the Lord, the healing of the Lord will come to you. और जब आपके अंदर खुदा की शादमानी होगी, तो उस वक्त उस शादमानी में उसकी शिफा आ रही होगी. Now tonight I'm going to explain how you can experience the Holy Spirit also. और मैं आज रात ये भी आपको बताऊंगा कि आप रूह कुदस का किस तरह से तजुर्बा करेंगे. And then if you do it, you can tonight experience the presence of God. और जब आप ये करेंगे, तो फिर आज आप रूह कुदस का तजुर्बा भी करेंगे. First, repent of all sins. और पहला ये है, सारे गुनाहों का इकरार करें. Turn away from sins. और गुनाहों से मुंह मोड़ लें. Sins are not good. गुनाह अच्छा नहीं है. Anger is not good. गुस्सा अच्छा नहीं है. Hatred is not good. और कड़वाहट अच्छी नहीं है. I'm sorry for my sins. और मैं अपने गुनाहों पर पछताता हूँ. I want to turn away from my sins. और अपने गुनाहों से मैं मुंह मोड़ना चाहता हूँ. And trust in Jesus Christ to forgive our sins. और खुदावंद यीशु पर ईमान रखता हूँ कि हमारे गुनाहों को माफ कर दे. And then believe that God really loves us. और फिर ईमान रखे कि खुदा हमसे प्यार करता. So every time you pray, you say, "Oh Jesus, you're loving me now." और जब भी दुआ करें, तो आप यीशु से कहें, "हे यीशु, तू मुझसे प्यार करता है." Jesus, you're right here now. और यीशु तू इस वक्त यहाँ पर मौजूद है. You want to bless me. और तू मुझे बरकत देना चाहता है. I can enjoy your presence. और मैं तेरी 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 हजूरी का लुत्फ उठाना चाहता हूँ. And learn to really appreciate the Lord. और खुदावंद के साथ जो है उसके कामों को अच्छा समझने की कोशिश करें. And learn to like God. और खुदा की मानद बनने की कोशिश करें. God, you're so good. खुदा बहुत भला है. I like you. खुदावंद तू बहुत भला है, मैं तुझे पसंद करता हूँ. Do you like eating? क्या आप खाना खाना पसंद करते हैं ना? When you eat the food, do you think of God who creates the food? और जब आप खाना खाते हैं, जब आपको भूख लगी होती है, तो क्या कभी रोटी खाते हुए आपने महसूस किया है कि ये उस खुदा ने पैदा की है, बनाई है रोटी? Every time when I eat, I think of God who loves me so much. He created all His food for me. और जब भी मैं खाता हूँ, तो मैं खुदा के बारे में सोचता हूँ कि सब कुछ खुदा ने मेरे लिए पैदा किया. So all the time think of the love of Jesus. और हर वक्त यीशु की मोहब्बत के बारे में सोचे. And hunger for God. और खुदा के लिए भूख रखे. And His peace can come to you. और उसकी मोहब्बत आपके पास आएगी. Worship with all your hearts. अपने पूरे दिल से उसकी प्रस्तुति करें. From all your hearts to worship God. और पूरे दिल से उसकी प्रस्तुति करें. It's like one way is like this. Let me show you. It's like, oh Jesus, I love you. और आप इस तरह से कह सकते हैं, खुदावंद यीशु, मैं तुझसे प्यार करता हूँ. It's from the bottom of heart. Hallelujah. और बिल्कुल ये इसी तरह है कि दिल की गहराइयों से आप कहते हैं, Hallelujah. Jesus, I love you. खुदावंद यीशु, मैं तुझसे प्यार करता हूँ. Jesus, I need you. खुदावंद यीशु, मुझे तेरी जरूरत है. Pray from the bottom of the hearts. और दिल की अथाह गहराइयों से दुआ करें. For as long as you can. और उस वक्त तक जब तक आप कर सकते हैं. You begin to experience His presence. और फिर आप उसकी हजूरी का तजुर्बा शुरू करेंगे. And also the laying on hands would help. और मेरा ये भी ईमान है, हाथ रखना भी मददगार साबित होता है. Tonight I will lay hand on some people. हो सकता है कि आज रात मैं किसी पर हाथ रखूं. But it's very important that you hunger for God. लेकिन आपके लिए ये बड़ा अहम है कि आप खुदा के लिए अपने अंदर भूख पैदा करें. You desire God. और आप खुदा की ख्वाहिश रखें.
You really say, God, you are the most wonderful person I ever met. और आप खुदा से कहें कि खुदावन तू ही वो अहम शख्स है जिससे मैं मिला हूँ. There is no one like Jesus. यीशु की माने भी कोई नहीं है. No one like Jesus. यीशु की माने कोई नहीं है. Now at this point, I'm going to lead you in a prayer. और इस वक्त मैं दुआ करना चाहता हूँ. To welcome Jesus into our hearts. अपने दिलों में खुदावंद यीशु मसीह को दावत दे. To experience His love. और उसकी मोहब्बत का इकरार करें. Experience His peace and healing. और उसकी शिफा का और उसके तमाम